हरकत करी है मछेल। पहले उन्होंने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के पार्थिव शरीर के साथ ये घिनौनी हरकत करी थी। उन्होंने हमारे वहाँ पे जो सौरभ कालिया और उसकी पार्टी थी उसके टॉर्चर किया, उनकी बॉडीज के ऊपर सिगरेट के मार्क्स थे। बहुत इस देश में चिल्लकाव हुई कि साहब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाओ, यूएन जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, अमेरिका के पास जाओ, कुछ नहीं हुआ। देखिए ये दूसरी तीसरी बार पाकिस्तान कर रहा है। अब मेरे ख्याल समय आ गया है कि पाकिस्तान की फौज को फौजी भाषा में बताना कि ऐसी बर्बरता की अगर वो जुर्रत करेगा तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। काफी ताकत है इस फौज के पास और वो रोक के नहीं रखी जाएगी, वो दबा के दी जाएगी वापस। और अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो खासकर उन सेक्टरों में तो आपका जीना दूभर कर देंगे हम। हमारे पास वैसे आले हैं, हम भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। एक करी है जिसको अभी तक ये झुटला रहे थे और तिलमिला के एक महीने के बाद राहिल शरीफ साहब ने कालिख पोतने की अपने मुंह से हटाने की कोशिश करी है। उन्होंने और तो कुछ कर नहीं सके, इक्के दुक्के हमारे जवान मारे, लेकिन एक हमारे जवान के शरीर के साथ जो आपने घिनौना हरकत की है वो पाकिस्तान को महंगी पड़ेगी। हमारे पास बोफोर तोपे हैं, हमारे पास जो है ग्राड रॉकेट लॉन्चर हैं, मल्टी बैरल पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हैं और बहुत सारे आले हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू विमान। जितना लगाना पड़े हम लगाएंगे जब तक पाकिस्तान को समझ ना आए। ठीक कह रहे हैं ये गांव के लोग, अरे साहब बार बार दिवालिया आप हमारी खराब कर रहे हैं, एक बारी हो तो जाए फिर इनके साथ। और इनके पास हिम्मत नहीं है कि ये जो हमको गीदड़ भभकी देते रहते हैं, न्यूक्लियर लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। सन 2000 से 2003 तक बिल्कुल यही दबा के तोपे चली, यही रोष दबा के तोपे चली है। एक,